नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। और आपको बता दें कि जैसे चलानिंग प्रक्रिया पहले भी चलती है और आज फिर से आपको बता दें, इस समय करनाल में आपको बता दें, इस समय जो एमपीएम स्टोर के बिल्कुल सामने जो है चलानिंग जो है की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो बाइक्स हैं यहाँ पर, बाइकर्स जो है उनको रोका जा रहा है और यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि किस किस चीज़ का चलान कट रहा है। क्योंकि यहाँ पर बता दें कि ये चलानिंग की प्रक्रिया हमेशा चलाई जाती है, 365 दिन जो है चलानिंग करनाल में की जाती है और इसको लेकर आज भी यहाँ पर चलानिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं जिन लोगों ने मास्क नहीं डाले हैं या हेलमेट नहीं डाले हैं, जिनके पास कागज़ नहीं है गाड़ी के, वो सभी जो हैं उनको यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या इसके बारे में जो है कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन है, उनसे ज़रा बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, आज किस किस चीज़ का सर चलान जो है किया जा रहा है? आज हेलमेट का किया जा रहा है और जो मास्क नहीं लगाते उनका किया जा रहा है। मास्क नहीं लगा रहे उनका भी किया जा रहा है? जी जी जी। और हेलमेट का चलान हो रहा है? हाँ जी हाँ जी। तो और जो बुलेट वगैरह है, जो पटाखे वगैरह लगाते हैं, जो सलाइंसर को गलत ढंग से लगाते हैं, उनका भी कर रहे हैं। जी 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 जी। तो सर एक चीज़ और है, जैसे बुलेट के पटाखे बजते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी गाड़ी के अंदर हमने कोई बदलाव नहीं किया, ज़्यादातर ऐसे आपने देखे होंगे केस काफ़ी आने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके जो बच्चे हैं ना वो उसके सलाइंसर को मॉडिफाई करवा लेते हैं और उनको घर में उनके पेरेंट्स को बताते नहीं हैं, तो जैसे वो भगाते हैं और उसकी वजह से फिर वो पटाखे लगाते हैं और इनका फ़ाइन बहुत ज़्यादा है जी। 10,000 रुपये का है इसका फ़ाइन है और 10,000 रुपये का प्रेशर हॉर्न का है। और हमारे SP साहब श्री गंगाराम पुनिया जी ने बड़े सख्त आदेश दे रखे हैं, भी कोई भी ऐसे गलत ढंग से मोटरसाइकिल वगैरह चलाएगा या कोई सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के दिन बनते हैं हम कार्रवाई करेंगे। जी 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 जी। और यहाँ पर जो है फिलहाल जितेंद्र सिंह जी, उनसे बात जो हमने की है, और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जवान जो है पुलिस के तैनात हैं और जो भी व्यक्ति जो है जिसने हेलमेट नहीं डाला होगा या उसके पास मास्क नहीं होगा, तो उन सब के जो है चलानिंग की जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें, इस समय बिल्कुल हम मुगल कैनाल के जो चौक है उस समय वहाँ पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन का जो है चलानिंग जो है की जा रही है। लगभग कितने चलानिंग जो है हो चुकी है जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे, लेकिन लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें। चलानिंग इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि यहाँ पर ये, तो ये देख लीजिए, ये सामने रोक लिया गया है, आप देख लीजिए, और यहाँ पर हेलमेट नहीं है और हेलमेट का चालान जो है आपको पता है कि 1,000 रुपये का हेलमेट का चालान होता है। और यहाँ पर दस्तावेज़ भी चेक किए जाएंगे कि आखिर जो है आपने हेलमेट है आपके पास। आपने हेलमेट नहीं डाला हुआ, हेलमेट तो यहाँ बात करने का प्रयास करते हैं लेकिन कई लोग जो है बात नहीं करते हैं। और फिलहाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उनको रोका गया है, और दूसरी तरफ जो है और भी जगह आपको दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से लोग हैं, चाहे उन्होंने ट्रिपलिंग की हो या उन्होंने कुछ भी किस लिए रोका गया इनको? वैसे ट्रिपलिंग सवारी है, हेलमेट तो पहन रखा है इन्होंने, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कोई कमी पैसा ना हो। ट्रिपलिंग की वजह से? हाँ, ट्रिपलिंग वजह, कह रहे हैं दवाई लेने जा रहे थे। तो यहाँ पर जो है ट्रिपलिंग के लिए इनको रोका गया, आपने देख लिया, दो महिलाएं हैं और एक व्यक्ति जो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और लोगों से कहेंगे इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। आप समझ सकते हैं कि ट्रिपलिंग भी करना ठीक नहीं है, ट्रिपलिंग से भी अचानक से कोई सामने आ जाए तो तीन सवारियां होने की वजह से, ज़्यादा वजन होने की वजह से गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती है और तीन लोग जो हैं इस तरीके ज़ख्मी हो जाते हैं। और यहां पर दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो है चलानिंग के लिए यहां पर जवान जो है तैनात हैं, और लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें। अपने घर से निकलते हैं, दस्तावेज़ साथ में रखें, और क्योंकि दस्तावेज़ रखना ज़रूरी है, अगर नहीं रखेंगे तो चलानिंग जो है भुगतनी पड़ेगी। और सुरक्षा के लिहाज से चलानिंग को किया जाता है यहाँ पर, और हम नहीं चाहते हैं कि आपकी जो जेब है वो सुबह के समय या शाम के समय, कभी भी चलानिंग होती है तो वो ढीली हो। शाम को निकलते हैं तो मेहनत जो है करके घर जा रहे होते हैं और चलान हो जाए तो ऐसे में पूरे दिन की मेहनत जो है पानी पानी हो सकती है, और सुबह निकलते हैं तो बिना कुछ कमाए करे जेब से पैसा निकल जाए तो वो भी एक अशुभ हो जाता है। तो बात वही है कि आप जब भी निकलें अपना कागजात लेकर निकलें, और पुलिस प्रशासन को किसी तरीके से भी जो है उन पर सवाल उठाने के बजाय आप अपने पास कागज़ रखें और अपना कागज़ चेक कराएं और अपने घर जाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों के पास कागज़ होते हैं वो बड़ी
खुशी से गाड़ी रोक लेते हैं और कागज़ दिखाकर निकल जाते हैं। और लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें। और यहाँ पर फिलहाल इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे को सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे हम इनको रोकते हैं, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते, तो हम इन कह रहे हैं मंगा लो डॉक्यूमेंट्स, मंगा लो डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये कह रहे हैं उनके पास। तो हेलमेट जैसे इन्होंने नहीं पहना था? बिल्कुल, काटेंगे जो भी कार्रवाई बनती है मोटर भी कलेक्ट के हम करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी जी जी। और हेलमेट इन्होंने नहीं पहना है। जो बाकी कागज़ हैं, अगर कागज़ आपके घर पे हों तो आप घर से मंगा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कागज़ लेकर ना चलें, लेकिन आपके कागज़ आपकी गाड़ी में होने चाहिए। और इनके जो कागजात हैं, बीएससी कर रहे हो ना, तो आपको चाहिए नहीं था, आपके डॉक्यूमेंट साथ होने चाहिए। ये गलत बात है ना, डॉक्यूमेंट्स मंगाओ इसके। सर इस टाइम तो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि घर पे सर कोई भी नहीं है इस टाइम। हम फोन करेंगे, हम इसको जो कार्रवाई बनाई करेंगे हम। आप डॉक्यूमेंट्स मंगाओ। डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है अभी? घर पे पड़े हैं। घर पे पड़े हैं तो घर से मंगवा सकते हो? इस टाइम तो नहीं आएगा सर, घर पे कोई नहीं है इस समय। तो आपने घर क्यों रखे हैं? आपको तो गाड़ी में रखने चाहिए जब कागज। मेरे को तो एमरजेंसी हुई थी, इसलिए एकदम से आना पड़ा मेरे को, दवाई लेने आया था दादी के लिए। क्योंकि यहाँ पर यह है, अगर आप अपने वो कागज़ दिखा दें तो आपको उसकी चलानिंग से आप बच सकते हो। हेलमेट तो आपका करेंगे, लेकिन उसकी चलानिंग से बच जाओगे आप। यहाँ पर जो है फिलहाल कह रहे हैं, जो लड़का है वो यही कह रहा है कि घर पे कोई है नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपके कागजात अगर गाड़ी के घर पे हैं, आप उसे मंगा दीजिए, उसके बाद कोई बात नहीं। जिस चीज़ का चलान बनता होगा करने का, वो चलान आपका करेंगे, जिसका नहीं बनता होगा वो नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि लोगों से अपील है इस खबर को शेयर करें, लेकिन यहाँ पर चलानिंग करने के बाद जो है अब इनको भेजा गया है। और यहाँ पर लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें, ट्रिपलिंग ना करें। और ऐसे में कितने चालान जो है सुबह से अभी तक हो चुके हैं? सर 40 के करीब के रिपोर्ट इंस्पेक्टर साहब को दे रखी है, 40-45 के करीब हो चुके हैं। जी, जो आपने बता दें कि लगभग 40 के आसपास जो है चालान हो चुके हैं। और लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें। फिलहाल जो आपको बता दें कि यहाँ पर मुगल कनाल चौक से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, और जितना हो सके इस खबर को शेयर करें। और फिर से जुड़ेंगे आईबीन 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।